भागलपुर कल लगने वाले मानव श्रृंखला को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा, कल लगने वाले मानव श्रृंखला में प्रत्येक 5 किलोमीटर पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग से अनुरोध किया, सभी लोग मानव श्रृंखला में भाग ले। वही फोटोग्राफी के लिए सभी जगह फोटोग्राफर नियुक्त किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से भी फोटोग्राफी करवाई जाएगी। भागलपुर में करीब 12 लाख लोग मानव श्रृंखला में शामिल होने का अनुमान है। यह मानव श्रृंखला पटना से लेकर पूर्णिया तक बनेगी। जिलाधिकारी ने समाज में पनपी कुरीतियों से निजात के लिए, हरियाली के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील की है, ताकि यह श्रृंखला विश्व रिकॉर्ड बन सके। वही कल बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने मसाल जुलूस निकाला। मसाल जुलूस में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, DDC सुनील कुमार सिंह, सदर SDO आशीष नारायण सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कर्मचारी मसाल जुलूस में शामिल हुए। मसाल जुलूस क्रीड़ा समाहरणालय से घंटा घर तक जाएगा। यह है कि अपने तमाम जो स्कूल्स में और बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी हों या प्राइवेट हों, सभी लोगों को प्रतिभाग लेने की हम लोगों ने अपील की है। और ये जो विषय है जल जीवन हरियाली, ये विषय सबसे जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कि जल और हरियाली जैसा विषय अछूता है। सभी लोगों ने इसमें अपार समर्थन व्यक्त किया है। जहाँ तक विधि व्यवस्था और सुरक्षा का प्रश्न है, हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि कहीं से भी, चूँकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर रहेंगे और एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर मानव श्रृंखला निर्माण करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक किलोमीटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और उसके साथ पुलिस पदाधिकारी या सिपाही की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराई है। और इसके अतिरिक्त मोबाइल के रूप में भ्रमणशील मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसके अतिरिक्त पहले भी हम लोग प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube and never miss another update.